ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वोट किया है। उनकी बड़ी जानकारी आपको यूपी से बता रहे हैं। मतदान के बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपना मतदान किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मतदान के बाद जनता को उन्होंने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज अंतिम चरण का चुनाव है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही कहा कि यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग चल रही है और देश में बीजेपी को भारी समर्थन लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आज गोरखपुर में आखिरी चरण में मतदान हो रहा है और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ भी मतदान करते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज अंतिम चरण का मतदान है और 4 जून को जनता का फैसला सामने आ जाएगा और प्रचंड बहुमत के साथ इस बार बीजेपी की सरकार बनती हुई भी नजर आएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर में आज अपना ये मतदान किया है और उसके बाद उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। मित्रों, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2 महीने 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी, उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली। की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां गोरखपुर में सीएम योगी मतदान करते हुए नजर आए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि आज आखिरी चरण का मतदान है और इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्य ने भी अपना मतदान किया है। साथ ही सभी से मतदान करने की भी अपील की।